कृष्णा भक्तों, आप सभी का मेरे अपने चैनल अनंत भक्ति में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास का महात्म्य, चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य को पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महात्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर तुमने माघ स्नान नहीं किया, उनका जन्म निष्फल हो गया है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों से सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया गया यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश करने के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थयात्री, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याघ्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीवना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती तथा सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महात्मक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। महात्मक मीन्स महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे माघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों और पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वे सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये पावन कथा आपको अत्यंत
अत्यंत पसंद आया होगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए तथा औरों को सुनाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे अपने चैनल अनंत भक्ति विद SP को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।